गाइस वेलकम बैक टू देखे सीखे। गाइस अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी आसान स्टेप है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही किस तरह से इस तरह की फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं देखे सीखे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सिंपल सा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद से दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ से किसी भी एक फ़ोटो को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अपनी किसी भी एक फ़ोटो का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वाली इमेज का मैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये इमेज की मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। और यहाँ से मैं अब बाहर आ जाऊँगा और चले जाऊँगा अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को दोस्तों हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ प्लस वाले आइकन पे करेंगे क्लिक और यहाँ से दोस्तों पिक कैनवास सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले कैनवास को हम दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे रोटेट कर देंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्रॉप पे क्लिक, यहाँ पे टूल जो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से हम इसकी विड्थ को कर देंगे 2000 और हाइट 2500, रिसाइज पे क्लिक करेंगे और सिंपल सा हम यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो स्क्रीनशॉट ली थी दोस्तों उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देख सकते हैं, और इसे हम क्रॉप कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से इतना क्रॉप कर दीजिए। ओके, इसको एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो चुका यहाँ पे एडजस्ट, ओके करेंगे यहाँ से, फिर से ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और सेम जो स्क्रीनशॉट हमने ली थी अपने इंस्टाग्राम की वो ऐड करेंगे और फिर से क्रॉप करेंगे। और अब बॉटम साइड का जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों उसे हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। इस तरह से इसको क्रॉप करेंगे और इसको फिर हम नीचे की साइड पे एडजस्ट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पर नीचे की साइड पर एडजस्ट करेंगे। ये हो गया, इसे ओके कर दिया, वापस यहाँ से ओके करेंगे और फिर ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सॉरी, ऐड इमेज पे नहीं दोस्तों, हम यहाँ से सीधे यहाँ पे ड्रो वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और ड्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। और ये जो एम्प्टी लेयर है दोस्तों, इस पर हम एक फ़ोटो को ऐड करेंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये वाली फ़ोटो जो दोस्तों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस फ़ोटो की लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से कुछ, ओके हो चुका है। तो इसे इस तरह से परफेक्टली एडजस्ट कर देंगे, ऊपर से करेंगे ओके। ओके करने के बाद से लेयर पे फिर से क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ से ऐड पे लिख, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्टी लेयर को ऐड कर लेंगे और यहाँ से फिर से एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और एक फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे दोस्तों, जिस फ़ोटो को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो वाली फ़ोटो को आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो मैं ये वाली फ़ोटो को वहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, से कर दूंगा ओके। करने के बाद सो ये जो हमने जिस पे फ़ोटो ऐड की थी उसे हम नीचे ले लेंगे इस तरह से और इसको हम कर लेंगे पूरा जूम, इसमें एडजस्ट कर लेंगे इसको काफ़ी अच्छे से, आप अपने इसमें एडजस्ट कर लीजिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन अच्छे से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया दोस्तों। लेयर पे क्लिक करेंगे और जो अपनी फ़ोटो है इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे
इरेज का ऑप्शन है तो इरेजर वाला सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेंगे, ओके करेंगे और इसे इरेज कर देंगे हम। एज पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इरेज करते वक्त। तो देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी परफेक्टली मैंने इरेज कर दिए और काफ़ी बेहतरीन ये इमेज लग रही है। अब आपको ऊपर से कर देना है ओके। ओके करने के बाद तो अगर आप इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह या फिर कुछ आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। तो ये परफेक्ट दोस्तों फ़ोटो बन चुकी है। और वापस यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद से सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे गैलरी और यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह की फ़ोटो को आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं अपने मोबाइल के पिक्सट एप्लीकेशन के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज की हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।